ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଟ୍ରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2022 ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା 2022 ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସେଟ୍ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ର ସେଟ୍ ୱାନ୍, ଓକେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଏଜୁକେସନ୍ର ସେଟ୍ ଟୁ। ओके देख पे जोथे रखाई तुम फुल मार्क 20 एवं समय रखा 45 मिनट। वीडियो को गोटे लाइक करो पे जदि सी एच एस सी लर्निंग चैनल को प्रथम थर पर आस चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ कारण आप चैनल में सब सब्जेक्टर हाथ लेखा नोट्र वीडियो पाइबा सहित नोट्र पीडीएफ ग्रुप माध्यम से पाइपर तेणुक ग्रुप व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो शेष में समस्त को सेयार करा तुम्हें जान पे एजुकेशन जेकोसी प्रश्न हो तुम जो त्रैमासिक परीक्षा प्रथम त्रैमासिक परीक्षा एक नंबर रे रही छटी एमसीक्यू प्रश्न हला प्रति प्रश्न मूल्य एक मार्क हेल्ले छटी एमसीक्यू प्रश्न मूल्य हूँ 6 मार्क। समस्त प्रश्नर उत्तर दियो। प्रथम प्रश्न देख पे एजुकेयर शब्दर अर्थ कौन ऑप्शन अच्छी परिप्रकाश करिबा ना प्रतिपालन करिबा ना श्रृंखलार सहित अध्ययन करिबा ना अंतःकरण रु परिप्रकाश करिबा। ओके उत्तर हम प्रतिपालन करिबा। एजुकेयर शब्दर अर्थ होची प्रतिपालन करिबा। प्रथम प्रश्न शिक्षा कहिले मु बुझे शिशु और मनीषर मन और आत्मार सर्वांगीन और सर्वोत्तम विकास यही उक्ति किए कही गोपबंधु ना अरविंद ना महात्मा गांधी ना प्लाटो है देख पे ये उक्ति कही गांधीजी। ओके परवर्त प्रश्न जी पे अण आनुष्ठानिक शिक्षा सहायक संस्थार एक उदाहरण कौटिक देख पे ऑप्शन अच्छी विद्यालय ना परिवार ना अंगनवाड़ी केन्द्र ना गिर्जा हला देख पे अण आनुष्ठानिक शिक्षा सहायक संस्थार हूँ इतनी जो ऑप्शन अच्छी से अंगनवाड़ी अंगनवाड़ी केन्द्र हूँ अण आनुष्ठानिक शिक्षा सहायक संस्थार एक उदाहरण। परवर्त प्रश्न देख मनोविज्ञान आधुनिक अर्थ कौन आत्मा सम्बन्धीय विज्ञान ना मन सम्बन्धीय विज्ञान ना चेतना सम्बन्धीय विज्ञान ना व्यवहार सम्बन्धीय विज्ञान उत्तर हम व्यवहार सम्बन्धीय विज्ञान हला। प्रथम प्रश्न जी पे एक नंबर वन प्रश्न स्वरूप दृष्टि शिक्षा मनोविज्ञान क्यों विषय अंतर्गत कला ना विज्ञान ना उभय ना क्योंटी नुहे है उत्तर हम विज्ञान। परवर्त प्रश्न शैशवावस्थार बयस सीमा के 2-6 वर्ष ना 6-12 वर्ष ना 0-2 वर्ष ना 12-18 वर्ष उत्तर हम 0-2 वर्ष हला। देख तापर जीवा आम दुई नंबर प्रश्न जेकोसी तीनो प्रश्न उत्तर दुईट वाक्य लेख ये तुम जान चार प्रश्न थब हला तुम्हें कौन करोसी तीनो प्रश्न उत्तर दब से दुईट वाक्य लिख दुई मार्क प्रश्न दुईट वाक्य लिख प्रति प्रश्न मूल्य 2 मार्क तुम जान तीनो प्रश्न उत्तर देखे 6 मार्क पाइब है। प्रथम प्रश्न हूँ शिक्षार गणतांत्रिक लक्ष्य कौन लिख उत्तर लिख शिक्षार गणतांत्रिक लक्ष्य है जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष गणतांत्रिक राष्ट्र रे समस्ते समान एथिपाई समस्त को उच्च शिक्षा प्रदान रो सुजोग मिलिबा आवश्यक हला। पिला माने एतिकी तमे उत्तर लेखिबो हला। ताबा प्रश्न दिबा जे आमे देखो गणमाध्यम किपरी शिक्षा संस्थार अंतर्भुक्त लेखिबो उत्तर लिखिब गणमाध्यम जथा टीवी रेडियो संवादपत्र इत्यादि एक समय रे देशर अधिकांश लोकंकु शिक्षा प्रदान करती आ गोटे वाक्य लिखिब एथिरे प्रसारित बा प्रचारित विभिन्न विषय रे शिक्षा कम समय रे बहुत लोकंकु पाखरे पहुंची पारिथाय तेणु गणमाध्यम हेउची शिक्षा संस्थार अंतर्भुक्त हला। अच्छा तापर प्रश्न आ गोटे कौन अच्छी ना जड़े शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान तीनोटी उपकारिता लेख हला लिखिब उत्तर लिखिब कौन लिखिब ना जड़े शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान तीनोटी उपकारिता हला एक नंबर उपकारिता लिखिब पॉइंट दबो कौन ना यह विद्यार्थी को जानिबारे साहाज्य करे। दुई नंबर लिखिब यह शिक्षण प्रक्रिया जानिबारे साहाज्य करे। तीन नंबर लिखिब यह शिक्षण परिवेश जानिबारे साहाज्य करे हला। तीनोटी पिलाने उपकारिता लिखिब शिक्षा मनोविज्ञान रे जे शिक्षक उपकारिता मैं शिक्षा मनोविज्ञान हला। तार प्रश्न आ गोटे प्रश्न अच्छी बुद्धि और विकास रो तीनोटी नियम लेख लिखिब बुद्धि और विकास रो तीनोटी नियम हला
एक लिख विकास साधारण रु निर्दिष्ट आड़ गति कै दूर लिख विकास अनुमानक्षम तृतीय लिख विकास चक्राकार ये पिलाने दुई नंबर प्रश्न तापर आम जीवे तीन नंबर प्रश्न को देख पाने तीन नंबर लंग क्वेश्चन जेकोसी दुईटर उत्तर लेख ये पिलाने तीनोटी लंग क्वेश्चन अच्छी तुम्हें जेकोसी दुईट लंग क्वेश्चन उत्तर लिख प्रति प्रश्न मूल्य चार मार्क हेले दुईट लंग क्वेश्चन उत्तर मूल्य हूँ आठ मार्क। प्रथम प्रश्न शिक्षा एवं तालीम मध्य प्रभेद दर्शाओ डिफरेन्स लिख शिक्षा एवं तालीम ना मु तुम हिंट्स गोटे कहीदे तुम तक एक्सप्लेन कर तालीम द्वारा निर्दिष्ट दक्षता हासिल करिबा संभवपर होइथाय किंतु शिक्षा द्वारा व्यक्तिर सर्वविध ज्ञानर अभिवृद्धि घटिबा संभवपर होइथाय। ये जो शिक्षा एवं तालीम माने कौन एका हो एका सब माने एका पर शब्द न हो हला एका होइ न पारे हला एटा प्लेन डिफरेंस तुम लिखिबो। तापर आ गोटे प्रश्न अछि शिक्षा रे केउ केउ प्रकार सहायक संस्था उडिक कार्य करिथाय तार एक नमूना प्रस्तुत कर हला तुम लिख कौ संस्था सब औपचारिक संस्था कौन अच्छी फर्माल एजेन्सी है अनौपचारिक आनुषंगिक संस्था इनफर्माल एजेन्सी कौन रहा अण आनुष्ठानिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजेन्सी है एक्टिव एजेन्सी सक्रिय संस्था कौन रहा निष्क्रिय संस्था कौन रहा पैसिव एजेन्सी सब तुम एक्सप्लेन कर हला। देख पे आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक विज्ञान बुझाओ हला। देख पे तुमको हिंट्स कहूँ तुम लिख एक्सप्लेन कर शिक्षा सम्बन्धी समस्या गुड़िकर विश्लेषण आलोचना और पर्यालोचना यही मनोविज्ञान द्वारा करेणु शिक्षा सहित संपुक्त यही मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान रूपे अभिहित कर शिक्षा मध्यम प्राणीर त्रुटिगत व्यवहार में परिवर्तन आणवा निमित्त शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान प्रयोग जो यह केतक मनोविज्ञानी प्रयोगात्मक विज्ञान बोली कहते ओके पिला आउ तुम पढ़ना कर ओके ये थिला पिला माने एजुकेशन रो सेट टू क्वेश्चन आंसर परवर्ती वीडियो रे एमे आलोचना करिबा एजुकेशन रो सेट थ्री हला। देख पिला माने वीडियो गोटे लाइक करो एबो जदि सीएचएसई लर्निंग हो चैनल को प्रथम तरफ पे आछन तले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु कारण आपन माने ई चैनल रे सब सब्जेक्ट रे हाथ लेखा नोट रे वीडियो पाइबा तो नोट रे पीडीएफ ग्रुप माध्यम रे शेयर करा जइबो ग्रुप रो व्हाट्सएप नंबर देख पिला माने 6371261213 एथरे पिला माने फर्स्ट ईयर लेखि मेसेज करले म तब फर्स्ट ईयर ग्रुप रे ही ऐड करबी ओके तने करी वीडियो को लाइक करो चैनल को नुवा पिला माने जदि आछो चार चैनल को सब्सक्राइब कर दियो रोज पिला माने वंदे उत्कल जन।